हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। आज का वीडियो है इन सुंदर सुंदर से होममेड प्लांटर्स पे, जो हमने बिल्कुल अपने घर के वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल्स और डब्बों को कट करके बनाया है। तो बिल्कुल, जो लोग बोलते हैं गार्डनिंग एक महंगा शौक है, तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से, अगर आप बिगनर्स हो या आप बिगनर्स नहीं भी हो, तो इस तरीके से वेस्ट बॉटल्स को या प्लास्टिक के जो हमारे कंटेनर्स आते हैं उनको यूज करके आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्लांटर्स बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और सबके अंदर आप देख सकते हो कि प्लांट्स जो है वो बहुत इजीली जो है मेरे ग्रो कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स में जो है मैंने कटिंग लगाई है और कुछ में जो है प्लांट ही लगाया है, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाना भी चाह रही हूँ कि इसके साथ साथ जो है मैंने कुछ हैंगिंग पॉट्स भी बना रखे हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल्स को ही कट करके बनाए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लटके हुए कितने ही सुंदर लगते हैं। तो पहला प्लांट जो है, आप देखिए कि इस प्लास्टिक के पॉट में मैंने ये पोल्का डॉट लगाया है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से चल रही है। और ये इसके अंदर जो है मैंने कटिंग लगाई हुई थी क्रोटॉन की। इसके अंदर दो वैरायटी है क्रोटॉन्स की, आप देख सकते हो, एक ये प्लेन वाली वैरायटी है ग्रीन वाली और एक ये अलग शेप वाला क्रोटॉन है। तो इसके अंदर इसकी कटिंग्स भी जो है बहुत अच्छे से चल रही है। थर्ड जो प्लांटर हमने ये बनाया, इसके अंदर लगाया है मैंने इंग्लिश आईवी को और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर ये है हमारा प्लांटर जो मैंने प्लास्टिक की बॉटल को ही काट के बनाया था, इसमें भी मैंने जो है पोल्का डॉट ग्रीन वाले की कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हो कि इसमें न्यू ग्रोथ भी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है और नीचे से भी ये बिल्कुल नए नए प्लांट्स जो है, यहाँ से नए नए शूट्स जो है वो निकलेंगे और इस प्लांटर में मेरी ये कटिंग बहुत अच्छे से चल रही है। फिर ये प्लांटर जो है ये मैंने काट के बनाया था एक वेस्ट प्लास्टिक के डब्बे को और इसमें मैंने लगा रखा है ये लाल बादशाह का प्लांट और ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत छोटी छोटी कटिंग्स मैंने इसकी लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। फिर ये बहुत छोटी सी हमारी कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल थी, उसको काट के मैंने जो है इसको पेंट किया था और इसमें हमने लगा रखी है टेंगल हार्ट की कटिंग। बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से ये भी चल रही हैं और सक्सेसफुल है पूरी कटिंग्स और नई न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। फिर ये एक और बॉटल को काट के हमने बनाया एक प्लांटर और इसके अंदर भी जो है मैंने बिल्कुल टेंगल हार्ट की कटिंग्स लगाई हैं और एक आप ये कटिंग देख सकते हो, ये मैंने कटिंग जो है लगाई थी हमारा जो जेड ऑक्टेवा होता है प्लांट उसकी और उसकी ग्रोथ भी जो है बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। ये मैंने एक ही लीव से प्रोपोगेट किया था और बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है। तो ये वाला प्लांटर और ये वाला प्लांटर जो है जिसमें मैंने टर्टल वाइन की कटिंग्स लगाई हैं, टर्टल वाइन नहीं सॉरी टेंगल हार्ट की, तो इनको जो है मैं हैंग करूंगी और हैंग करने के बाद जब ये बढ़ जाएंगी और ऐसे नीचे लटकेंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। फिर ये एक रेड कलर का पॉट है, ये मैंने बनाया है फ्रेंड्स हमारा जो छोटा बॉर्नविटा का डब्बा आता है बिल्कुल उसको काट कर और इसके अंदर जो है मैंने लगाया है ये गोल्डन हथानी जो है स्नेक प्लांट और ये भी बहुत अच्छे से चलने लग गया है। इसके नए लीव्स भी जो है वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर ये एक वेस्ट बॉटल से मैंने जो है इसके अंदर मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स डाले हैं तीन, आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ जूम करके और देखो तीनों में जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। दो प्लांट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं और ये थर्ड वाला जो है इसमें भी आप देखो स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स जो बहुत इजीली ग्रो हो रहे हैं। फिर ये एक प्लांटर है, देखो ये जो है इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाए थे सिक्यूलेंट्स के लीव्स के, लीव से प्रोपोगेट किया था इनको और ये इजीली प्रोपोगेट हो गए हैं और मेरे चार नए प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं लीव्स के साथ। ये वाला जो है पार्ट जो है ये इसी बॉटल का था, आप देख सकते हो ये नीचे ढक्कन वाली साइड है, इसको मैंने आधा काटा था और आधा काटने के बाद जो पार्ट बचा था उससे मैंने ये प्लांटर जो है वो बनाया है। तो इस तरीके से ये कुछ प्लांटर्स जो है ये मैंने अपने इस शेल्फ पर रखे हैं इस स्टैंड के ऊपर और इनमें जो है ग्रोथ अच्छे से चल रही है। अब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कुछ प्लांटर्स जिनको मैंने हैंग किया हुआ है और उनमें भी जो है वो प्लांट्स बहुत 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 अच्छे से चल रहे हैं।
ये कुछ बॉटल्स को कट करके मैंने जो है हैंडमेड प्लांटर्स और बना रखे हैं और ये मेरे रेलिंग पे यहाँ पर टंगे हुए हैं और आप देख सकते हो कि इन सब में भी जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही है प्लांट्स की। ये लगा हुआ है मेरा टर्टल वाइन, आप देख सकते हो। इस बॉटल में मैंने जो है लगा रखा है मनी प्लांट और ये देखिए लटक के कहाँ तक नीचे तक आ रहा है, बहुत सुंदर से इसमें ग्रो चल रही है। ये वाला प्लांटर जो है मैंने 2 साल पहले बनाया था तो अब इसका पेंट थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसको मैं दोबारा से पेंट कर दूंगी। ये हमारी फिर से एक बॉटल है, इसमें लाल बादशाह लगा हुआ है जो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसमें भी मैंने लाल बादशाह की जो है कटिंग्स लगाई थी जो अब ग्रोथ कर रही हैं। ये फिर से आप देखिए इसमें जो है टर्टल वाइन लगी हुई है और इसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ जो है वो चल रही है। ये हमने लास्ट सीजन में बनाया था और ये फेस बहुत ही क्यूट लगता है। और ये ग्रीन कलर का प्लांटर, इसमें जो है ये लगा हुआ है हमारी आइपोमिया जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो वाइन। इसमें दोनों कलर की लगी हुई है और बहुत अच्छे से जो है ये प्लांटर्स भी जो है बॉटल के अंदर लगे हुए प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी जो है होममेड प्लांटर्स बना सकते हो अपने घर में और अपना गार्डन जो है सजा सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 बॉटल्स और हैं जिनको मैंने जो है कट करके 2 प्लांटर्स बनाए हुए हैं और इनमें भी जो है प्लांट बहुत इजीली और बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं। इसमें मैंने लगाया हुआ है हमारा ये पर्पल हार्ट का प्लांट और आप देखो ये कितना ही सुंदर और कितना छोटा सा प्लांटर है और बहुत आसानी से जो है इसमें कितना सारा ये पर्पल हार्ट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। और इस तरीके से छोटी छोटी बॉटल्स में भी हमारे प्लांटर्स बहुत इजीली जो है प्लांट्स चल रहे हैं। और ये बॉटल जो है इसमें मैंने लगाई है ये हमारी प्यारी सी बेबी टीयर्स की कटिंग, आप देखो कितना सुंदर है ये प्लांट और बहुत आराम से ये कटिंग जो है इसके अंदर चल रही है। तो ये हमारे कुछ बॉटल प्लांटर्स हैं जो मैंने बनाए थे। ये कुछ और प्लांटर्स है जो मैंने बॉटल को काट के लगाए थे और वेस्ट डिब्बों से डेकोरेट किए हैं, पेंटिंग की है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितनी छोटी सी बॉटल है, ये बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी हमारी और इसके अंदर लास्ट सीजन में मैंने जो है ये मॉस्टोज लगाया था और बहुत सारी ब्लूमिंग इसमें हुई थी। और जब इसका सीजन खत्म हुआ था तो मैंने बिल्कुल इनको निकाला नहीं था और आप देख सकते हो कि अब इसका सीजन आ गया है तो कितने इजीली जो है इसमें फिर से स्प्राउटिंग हो गई है और ये बहुत अच्छे से भूशी है और इसमें अब बहुत सारे खूब सारे फूल खिलेंगे। और ये एक वेस्ट डब्बा था, ये हल्दीराम से आया था, इसमें इसके अंदर जो है हल्दीराम से लोहड़ी के टाइम पर जो है वो इसके अंदर पीनट्स थे तो उस डिब्बे को भी मैंने वेस्ट नहीं किया और ऐसे पेंट करके मैंने इसमें डायंथस लगाया था। आप देख सकते हो कि मैंने वीडियो भी शेयर किया था डायंथस के ऊपर, बहुत सारे फूल इसमें खिले और अभी भी जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे वेस्ट प्लास्टिक के डब्बों को भी आप पेंट करके डेकोरेट करके जो है अपने गार्डन में यूज कर सकते हो। इससे जो है आपको मार्केट से अगर आप बिगनर्स हो तो बिल्कुल भी पॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये सुंदर सुंदर सी बटरफ्लाईज कुछ मैंने इसमें ऐड कर रखी हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। एक ये प्लांटर मैंने जो है वेस्ट डिब्बे को काट के और बनाया था, आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं जो है लॉकडाउन से पहले एक इसके लिए सुख शांति का पौधा लेकर आई थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और मैं इसके अंदर लगा नहीं पाई हूँ इसको। तो ये प्लांटर के अंदर जो है मुझे ये सुख शांति का पौधा जो है वो लगाना है। तो जब मैं इसमें रीपॉटिंग करूंगी, इस प्लांट को लगाऊंगी, तो मैं बिल्कुल आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी कि हमें रीपॉटिंग भी जो है अपने प्लांट्स की जब हम लेकर आते हैं नर्सरी से तो किस तरीके से करनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने गार्डन के लिए सुंदर सुंदर हैंडमेड प्लांटर्स जो हैं थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो और ये आपके गार्डन में बहुत सुंदर लगेंगे रखे हुए। तो इस तरीके से आप भी जो है गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो, सुंदर सुंदर पौधे लगा सकते हो वेस्ट प्लांटर्स के अंदर।
तो फ्रेंड्स, आज का इन्फॉर्मेशन जो है, वीडियो जो है, बस इन वेस्ट प्लास्टिक को हम कैसे रीयूज करें ताकि जो है हम थोड़ा सा अपने एनवायरमेंट को भी क्लीन रख सकें और हमारा गार्डनिंग का शौक जो है वो बिना बाहर से प्लांटर्स को खरीदे जो है वो हम पूरा भी कर सके। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा कीजिए। फ्रेंड्स, आज का इन वीडियो जो है बस इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस आपको और मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो है प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो पे किसी और प्लांट के साथ। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।